अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज फोटोशॉप का एक और ट्यूटोरियल है, उसमें हम बनेंगे सोशल मीडिया का पोस्ट। बट ये पोस्ट ऐसा होगा कि भाई मैंने अपने कैशेस क्लियर कर दिए हैं, जो मैंने पॉन्ट्स इंस्टॉल किए थे, जो कि मैंने अपने कलर्स इंस्टॉल किए थे, वो सारे डिलीट हो चुके हैं। तो अब बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, एक बहाना सा कह सकते हैं, जो कि मैं भी स्टार्ट सर पे बहुत ज़्यादा बनाता था कि भाई इनके पास पॉन्ट्स हैं अपने, इनके पास अपने ये है वो है। तो आज हम एक रैंडम सा बनाएंगे, अभी कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से बनाएंगे, किस चीज़ का बनाएंगे। बस जाएंगे अपने पिक्चर फोल्डर में से कोई भी एक पिक्चर उठा के उससे सोशल मीडिया का पोस्ट क्रिएट करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए अपने पीसी स्क्रीन पर चलते हैं। तो फोटोशॉप में अपना ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे भाई न्यू, ओपन नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने बनाना है अपने डिज़ाइन के लिए भाई पिक्सल्स में 1500x1500, 1500x1500 पिक्सल्स का आपने एक पोस्ट क्रिएट करना है। यहाँ पर सोशल मीडिया का, इंस्टा वगैरह का ज़्यादातर पोस्ट इन्हीं साइज़ में होता है। और अब हम करेंगे भाई इसको ओपन करेंगे हम अपने पिक्चर फोल्डर को, और यहाँ से कोई सा भी चाय वाला पोस्ट बनाए या बर्गर वाला, बर्गर वाला तो नहीं, चाय वाला बना लेते हैं। अच्छा, सोशल सोशल मीडिया का मेरे ख्याल से प्रमोशन वाला पोस्ट बनाते हैं, सोशल मीडिया का पोस्ट है ना, तो सोशल मीडिया ही की प्रमोशन वाला पोस्ट बना लेते हैं। यहाँ से मेरे पास अगर कोई पिक्चर मिले, हाँ ये वाला हम उठा लेते हैं, और इसी से सोशल मीडिया प्रमोशन की एक पिक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको पुट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि नीचे हम इसमें एक डिज़ाइन सा बना सके। ऊपर आपने चेक कर लेना है तो आपके बॉर्डर शो होंगे, फिर आपको इसको एडजस्ट कर सकेंगे। जैसे ये तो आपको अगर बेसिक का पता है फोटोशॉप का, तो ये भी आपको पता होगा। वैसे मैं जो शॉर्टकट वगैरह कीज़ हैं वो ऑन करना मैं भूल गया, मैं बैकग्राउंड बना लेता हूँ। जो स्क्रीन पर शॉर्टकट कीज़ आते हैं ना, जो मैं दबाता हूँ वो स्क्रीन पर भी आते हैं। तो वैसे आपको अगर फोटोशॉप का बेसिक का पता है ना, तो इस वीडियो को थोड़ा सा पास्ट करके भी आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बैकग्राउंड मैंने क्रिएट कर दिया है, कलरिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई मेरे पास जो अपने इंस्टॉल थे, मेरे फेवरेट थे, या जिसका मैं आदी बन चुका था, जो डिज़ाइन के लिए बेस्ट हैं, वो मेरे से डिलीट हो गए हैं। तो यहाँ इसका साइज़ हम 100 कर लेंगे, और नीचे अब हम लिख लेंगे भाई कोई टैग दे देंगे इसको, वाइट कलर का मेरा फेवरेट है भाई। सोशल मीडिया के जितने भी पोस्ट होते हैं ना, उसमें तकरीबन 95% में वाइट एंड ब्लैक कलर का हेडिंग देता हूँ। हेडिंग और उसके साथ जो टैग होता है ना, ये देखें, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है, लर्न एंड अर्न। वैसे मैं खुद इस पे बिलीव नहीं करता, लर्निंग इज़ नॉट फॉर अर्निंग, लेकिन यहाँ पर हम लिख लेते हैं। और अब हम यहाँ पर अपने कोर्सेज, यानी अगर हमने यहाँ पर हेडिंग देना है ना कि कौन कौन से कोर्सेज है, तो उसके लिए हम यहाँ से छोटे छोटे से सर्कल से डिज़ाइन बनाएंगे। तो वैसे इसका कलर तो बिल्कुल बुरा सेलेक्ट किया है मैंने, लेकिन खैर इसका कलर हम चेंज कर लेंगे बाद में। इसको हम जो है इस वीडियो को मैं यहाँ पे पास्ट कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ें भी तो आपको बनानी आती होंगी ना। आप अल्ट पर प्रेस करेंगे, अल्ट पर होल्ड करेंगे, और कंट्रोल के राइट को आप क्लिक करोगे, राइट को नहीं सॉरी लेफ्ट पर आप क्लिक करोगे तो ये इसकी ऑटोमेटिकली कॉपी बन जाएगी। आप कंट्रोल जे भी प्रेस करोगे तो जो भी चीज़ सेलेक्ट होगी उसकी कॉपी बन जाएगी। अब यहाँ पर मैंने 3-4 कॉपियाँ बना दी। ऊपर वाला चूँकि हेडिंग होगा कि भाई हम क्या ऑफर कर रहे हैं, नीचे उसके नाम्स मेंशन होंगे कि ये चीज़ों में हम कोर्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वी ऑफर, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोर्सेज वी ऑफर, या इस तरह सा कोई भी अगर आपको टिक्स मिले या आप अपना लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसका स्टाइल हम थोड़ा सा सर्कल सा बना लेते हैं इसका,
ये देखिए, ताकि इसका डिज़ाइन अलग दिखे, और नीचे जो हमने हेडिंग दी होगी ना यूट्यूब फेसबुक वगैरह का, या जो भी आप कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो उसके अलग आपने रखने हैं अपने स्टाइल्स। यहाँ पर एक एरो की हमने डाली है, आप बना भी सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि पड़ी हुई है ऑलरेडी तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूट्यूब, और कलर ऑलरेडी वाइट है तो इसलिए आपको दिखेगा नहीं। अब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं और टॉप पर लेके आते हैं। कलर इसका हम ब्लैक करेंगे, और वाई हमने दो दफा लिखा है तो यूट्यूब कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। सिंपल तरीका है, इसकी कॉपीज हम लेंगे, कंट्रोल प्रेस कर अल्ट प्रेस करके इसको नीचे लेके आएंगे और कॉपी बन दी जाएगी। अब इसका हम जस्ट टेक्स्ट जो है वो चेंज करेंगे, तो साइज़ इनका एक जैसे होगा, इनके पॉन्ट्स जो है वो एक जैसे होंगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पर अमेजोन लिख लेता हूँ, वी ओपर यूट्यूब फेसबुक अमेजोन, नहीं भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना, तो वी ओपर हम चेंज कर लेते हैं। वी ओपर के बजाय हम लिख लेते हैं और कोर्सेज भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इसका जो बैकग्राउंड का कलर है ना वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, ये भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बैकग्राउंड के लिहाज से अगर देखा जाए ना तो काफ़ी अच्छा दिख रहा, क्या बोलते हो? मेरे ख्याल से फ़िलहाल के लिए यही अच्छा है, बाकी अगर आपके पास अच्छे कलर्स वगैरह हैं तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड जब सबसे लास्ट में हम बनाएंगे ना, इसमें अपना डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे, फिर आप देखेंगे ये इसका एक अलग ही मज़ा होगा फिर लास्ट में। अभी ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है ना, लेकिन फिर इसका एक अलग ही मज़ा होगा। अवर कोर्सेज मेरे ख्याल से वी ओपर कोर्सेज, यहाँ पर हम क्या लिखे भाई? अब हमने अगर रैंडमली बनाना है तो भी तो ऐसा बनाए ना कि उसका कोई सेंस तो बने। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आवर कोर्सेज में लिख लेता हूँ, या वी ओपर कोर्सेज, वी ओपर कोर्सेज का कोई सेंस बनता है? वी ओपर कोर्सेज यूट्यूब फेसबुक अमेजोन, मेरे ख्याल से आवर कोर्सेज ही ठीक रहेगा, आवर कोर्सेज फेसबुक यूट्यूब अमेजोन, यानी इसका इशारा है कि भाई हम क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। ऑनलाइन टीचर है, लर्न एंड अर्निंग है, तो अर्निंग यूट्यूब फेसबुक अमेजोन वगैरह सोशल मीडिया से होती है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि आवर कोर्सेज, आवर कोर्सेज हम लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे अगर इसके पॉइंट्स आप देखें ना आवर कोर्सेज के, तो ये भी बहुत ही बुरे हैं, लेकिन इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। वो आपने अपने पॉइंट्स इंस्टॉल करने हैं, उसमें से आपने देखने हैं कि भाई इस लिहाज से ये भी एक हेडिंग टाइप है ना, तो अगर मैं ऑनलाइन टीचर का जो हेडिंग है उसको और कोर्सेज पे भी अप्लाई करूँ तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। लेकिन खैर, अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, अब हम सिलेक्शन टूल में जाएंगे, सिलेक्शन टूल में नहीं, सॉरी, यहाँ पर हम डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर लेंगे। आप नोट किया करें कि जी मैं कहाँ कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, अगर आप को अगर बेसिक आता है तो फिर तो ये आपके लिए टेंशन नहीं होगी, फोटोशॉप की बेसिक पर आप जानते हो। यहाँ पर हम इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे कि हमारा ऑनलाइन एंड लर्न एंड अर्न वाला ये इस डिज़ाइन के बीच में आए, यानी डिज़ाइन इस जो डिज़ाइन है उसमें लर्न एंड बाकी ऑनलाइन लर्न एंड अर्न इसमें आ जाए, तो इसका कलर हम यहाँ से वाइट कर देंगे। अब ये देखें, अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अच्छा दिखना स्टार्ट हो गया है। डिज़ाइन मैंने इसलिए इस कलर का बनाया क्योंकि और कोर्सेज का भी मैंने इसी तरह का बनाया हुआ है, और अब डिज़ाइन मैंने आपको कहा भी कि भाई कलर हमारे पास इतने अच्छे नहीं हैं, तो कलर आपने इग्नोर करने हैं, फॉन्ट्स आपने आज इग्नोर कर देने हैं, वो आपने अपने बनाने हैं, वो आपके लिए एक टास्क सा हो गया कि भाई मैंने अपने बनाने हैं अपनी मेहनत से। अगर सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा ना तो फिर आप कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था कि भाई इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे, अब इसका कलर अगर आपने चेंज करना है तो आप कलर पर क्लिक करेंगे, जस्ट आप कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, कलर आप सेलेक्ट करेंगे, मिसाल लीजिए इसके पेशानी का आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके दबाएंगे, तो उसी का कलर यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी जो है वो सेलेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं आवर कोर्सेज या जो मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, या यहाँ पर येलो पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ओके, तो ये देखिए ये येलो हो जाएगा। तो
आप अपने कलर इस तरह से कॉपी कर सकते हैं, या ऑलरेडी मेरे पास रिसेंट में पड़े हुए हैं, जो जो आप यूज़ करेंगे ना वो रिसेंट में चले जाते हैं, तो उससे भी आप इजीली पिक कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसके ऊपर हम लिखेंगे फ़ोन नंबर, या लिखेंगे, या अगर हमारी कोई वेबसाइट हमें दी गई है कि वेबसाइट भी आपने डाली है तो वो भी आप दे सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है, जीमेल है, जो भी है वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है भाई। यहाँ पर मैंने लिख दिया www.onlineteacher.com। भाई जिसका भी ये वेबसाइट हुआ ना, मैंने आपकी करवा दी है प्री का प्रमोशन, भाई मुझे आपने अभी पे करना है। वैसे मजाक कर रहा हूँ। इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं, वाइट इज़ माई फेवरेट। वाइट यार बहुत सी बैकग्राउंड पे ना वाइट पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा दिखे। आप यहाँ से भी हम लिखेंगे, फ़ोन नंबर हम लिख लेते हैं PHN0937, पाकिस्तानी नंबर हम लिखेंगे। वैसे ये किसी का नंबर नहीं है, ठीक है, 0000000 हम लिख लेते हैं। आप इस पे मिस कॉल ना दिया करें भाई, पैसे ना हो किसी का निकले और आप कहें कि भाई जिशान ने आप पोस्टर में आपका नंबर डाला है इसलिए हमने डायल किया है, और हमने यूट्यूब फेसबुक के कोर्सेज आपसे करवाने हैं। ये कोई नंबर नहीं है ना ये कोई कोर्सेज है, रैंडम सा मैं विदाउट अपने पॉन्ट्स अपने कलर्स। अब यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड बना लूँगा, क्यों, क्योंकि हमने डिज़ाइन बनाना है। इसका कलर आपने ब्लैक सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड, जब आप बना लेंगे और फिल्टर में आप जाएंगे, रेंडर में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लेंस फ्लेयर, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आपने अगर पहले नहीं किया तो यहाँ से आप कर ले, मूवी प्राइम पर आप आएंगे, ये देखिए एक इस तरह का डिज़ाइन सनलाइट आपका बन जाएगा। और अब आप यहाँ पर जाएंगे लेनर लॉज, आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ सनलाइट जो है वो रह जाएगा। इसको हम छोटा कर लेंगे, ये वार्निंग आपको दे रहा है कि भाई आपका सनलाइट गायब हो जाएगा, जब आप इसको एडजस्ट कर लेंगे तो वो दोबारा से पैदा हो जाएगा, यानी आपको शो होगा। ठीक है भाई, हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको। आपने ऐसे जगह पे एडजस्ट करना है ना कि ज़्यादा बुरा भी नहीं लगे और आपके डिज़ाइन में थोड़ा सा लुक इससे बेटर हो जाए। टीचर के पीछे अगर हम लगाए ना तो ये और भी बुरा लग रहा है। मेरी ज़ुबान खुश हो गई है भाई, मैं एक घूंट पानी पी लूँ। वैसे ऑडियो के टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि भाई आप अगर बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर कर रहे हो ना तो साथ में आपने पानी रख लेना है। यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं भाई, यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। आप देखें ना, फेसबुक के ऊपर भी एक लाइन आई है, एक तिरछी सी लाइन आई है यूट्यूब फेसबुक अमेजोन के सारों सारों के ऊपर, यानी सारों के ऊपर तीनों के ऊपर एक तिरछी लाइन आई है। यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते थे, बहुत ज़्यादा जो इसका आप देख सकते हैं कि एक सन का जो शाइनिंग है ना वो भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। आप अगर देखें ना तो सन की जो लाइटिंग है वो मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छुपा दी है ताकि ज़्यादा शोख भी न लगे, नदीदा टाइप न लगे। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर रैंडम सा डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई लोगो वगैरह है इस वेबसाइट का या एकेडमी वगैरह है तो हम यहाँ पर लगा लेते, लेकिन कोई लोगो वगैरह तो हमने डाउनलोड नहीं किया या हमें कोई आइडिया है नहीं, तो इसलिए हम रैंडम सा डिज़ाइन बना लेंगे। आप इसको एडजस्ट करना चाहे तो कंट्रोल आप प्रेस करेंगे, फिर इस कोने को आप जहाँ पर लेके जाना चाहें ना वहाँ पर ये खुद बहुत चला जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एंड अब हम इसकी कॉपियाँ लेंगे एंड इसको थोड़ा सा अंदर की लेके जाएंगे, पहले वाले को एंड लास्ट वाले को थोड़ा और अंदर लेके चले जाते हैं। इसका एक आप ग्रुप भी बना सकते हैं, कंट्रोल ई प्रेस की प्रेस करके इसको आप एक भी कर सकते हैं। डिज़ाइन का मेरे ख्याल से यार अच्छा दिख रहा है, इतना बुरा नहीं दिख रहा। इसको थोड़ा ऊपर साइड पे अगर हम कर लेते हैं तो क्या होगा। अच्छा, टीचर का मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं रेड कर लेता हूँ, नहीं इसको क्या करें, वाइट करें इसको वापस, ये कलर तो फिर इतना दिख नहीं रहा ना। वाइट अगर हम कर लेते हैं ना फिर भी इतना है, यानी मेरे ख्याल से ब्लैक ही ठीक था।
बाकी अगर आपके पास अच्छे कलर्स हैं, अच्छे फॉन्ट्स हैं, इससे भी तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब ये जो अच्छा और कोर्सेज मैंने लिखना था भाई, यहाँ पर आप देखें ना, शायद लिखते हुए आपने नोट किया हो, मैंने नोट नहीं किया था। यहाँ पर मैं जब लिख रहा था तो मैंने कहा कि और कोर्सेज, लेकिन वी मैंने नहीं मिटाया था, वो मैंने चेंज नहीं किया था, वो और कोर्सेज मैंने अब ठीक कर दिया है जाके। डिज़ाइन जो है वो हम ऊपर की साइड पे करें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, और बाकी नीचे का जो अनलाइन टीचर डॉट कॉम का, अगर आप देखें फॉन्ट साइज़ इसका बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा बुरा है, तो मेरे ख्याल से ये हमें चेंज करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम अपने डिज़ाइन को ऊपर की तरफ एडजस्ट, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, मुझे दिखाने की, अगर आप देखें इससे वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई एक रैंडम डिज़ाइन अगर आप बना रहे ना, तो उस चूँकि आपके पास कोई आइडिया नहीं होता कि भाई किस तरह से हमने बनाना है, तो उस पर आपके 15-20 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। मेरा गला पता नहीं बहुत ज़्यादा भाई ख़राब हुआ पड़ा है, एक तो मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं इन, इसको आप जितना छोटा करेंगे ना ये इतना अच्छा लुक देगा। आप ये देखिए, ये थोड़े बहुत आपने ख़राब कर दिए इसके डिज़ाइन को, क्यों क्योंकि इसको अगर मैं कंट्रोल ई प्रेस के तीनों को एक कर लेता और फिर यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता तो फिर और भी अच्छा दिखता ये, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होती है कि एक एक रेक्टेंगल को, एक एक डिज़ाइन को अगर आप एक एक पकड़ के उनको जाके एक कोने में एडजस्ट करेंगे ना तो मुश्किल हो जाता है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, जो डिज़ाइन है ना ये बहुत बड़े हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यार, इतने अच्छे नहीं दिख रहे जितना इनको दिखना चाहिए था, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए ओपी और वॉट, खुद का एक लोगो सा हमने बना लिया है, छोटे छोटे रेक्टेंगल बना के हमने जुगाड़ कर दिया है इसके साथ। अब इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, जो ऑनलाइन टीचर डॉट कॉम है, रेड तो और भी बुरा लग रहा है, तो ब्लैक तो इस पे दिखेगा नहीं, फॉन्ट्स इसके मैं चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट ट्राई कर लेते हैं कि भाई कौन सा वाला फॉन्ट, ये फॉन्ट ट्राई कर लेते हैं, ये ज़्यादातर फॉन्ट्स वही हैं जो फोटोशॉप 2019 में खुद आए हैं, मैंने इंस्टॉल नहीं किए, तो इसमें अपने फॉन्ट्स इतने अच्छे नहीं आते डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए। खैर हम एज इट इज़ इसको इसी तरह ही रहने देते हैं, बुरा लग रहा है ठीक लग रहा है। हमारा मकसद ये है कि भाई डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, आप अपना डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कोई रैंडम सा भी। अब आप देखिए पूर्ण नंबर को मेरे ख्याल से इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे जितना इसको लगना चाहिए था। सेव कर लेते हैं इसको डेस्कटॉप पर JPEG। आप फोटोशॉप को अभी आपने क्लोज़ नहीं करना, आपने थंबनेल बनाना है, आपने डिज़ाइन बनाना है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, अब मैं चला जाता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं चेकआउट कर लेता हूँ, भाई काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार, पहले से मेरे ख्याल से फोटोशॉप में इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। बस अवर कोर्सेस एंड नीचे जो हमने ऑनलाइन टीचर डॉट कॉम, और इसको हमने बहुत ज़्यादा बड़ा लिख लिया है भाई, अवर कोर्सेस और फोन नंबर वगैरह का जो फोन स्टाइल है ना ये इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, टू बी होनेस्ट। तो इसके फोन्स अगर आप अच्छे करें ना तो बहुत ही ओपी डिज़ाइन है। अब यहाँ पर आप स्पेलिंग वगैरह देखें, अगर कोई आपने मिस्टेक किया है ना तो जाके आप फोटोशॉप में इसको ठीक करें एंड इसको रिप्लेस करके सेव कर दें। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड बहुत से इस तरह के डिज़ाइन आने वाले हैं, न्यू डिज़ाइन बर्गर वगैरह के, शूज़ वगैरह के, भाई टी शर्ट, इंशाल्लाह टी शर्ट डिज़ाइनिंग का एक अलग कोर्स आएगा, अगर आप उसको
सेल करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा है आजकल टी शर्ट डिज़ाइनिंग एंड सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग में। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।